अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने केपीके में एमडीकेट 2023 दिया था, सोच आपका केपीके में जो एमडीकेट दोबारा रिपीट होने जा रहा है, दोबारा रिकंडक्ट होने जा रहा है, उसके हवाले से जो न्यूज़ आई है वो आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तर एडमिशंस की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, जो आपका एमडीकेट सिंध में जो रिकंडक्ट होना है वो 19 अक्टूबर 2023 को रिकंडक्ट होना है, लेकिन केपीके के लिए जो डेट है वो और रखी गई है। पहले ये जो है वो कहा जा रहा था कि केपीके और सिंध में दोनों सूबों में जो एमडीकेट रिकंडक्ट होना है वो एक ही डेट को होगा, लेकिन अब जो है वो दोबारा इसके हवाले से अपडेट आ चुकी है। बकाया तौर पर केपीके की जानब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि केपीके में जो एमडीकेट है वो 19 नवंबर 2023 को रिकंडक्ट नहीं किया जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि 19 नवंबर को ही सिंध में भी और केपीके में भी दोनों सूबों में एक ही दिन एमडीकेट रिकंडक्ट होगा, लेकिन अब सोच इसमें डेट चेंज कर दी गई है। एमडीकेट केपीके में जो है वो जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानब से रिकंडक्ट होना है, ये 26 नवंबर 2023 को पेपर होगा आपका एमडीकेट का। सिंध गवर्नमेंट ने जो एमडीकेट को रिकंडक्ट करने के हवाले से आप डेट दी है वो 19 नवंबर 2023 है, लेकिन जो केपीके की क्या खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानब से जो डेट दी गई है एमडीकेट को रिकंडक्ट करवाने के हवाले से वो 26 नवंबर 2023 है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पहले कोई नकल यूज नहीं की थी, कोई जो है वो एक्स्ट्रा जो है दो नंबर तरीके से पेपर में नकल नहीं की थी, जिन्होंने अपने बिहाफ पे ओपन जिन्होंने जो है वो अपनी मेहनत पे पेपर दिया था, स्टूडेंट्स अब आपको दोबारा चांस दिया गया है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पहले मेहनत की थी, स्टूडेंट्स एक बार दोबारा जो है वो अपने हौसले जो है वो बुलंद करें, दोबारा मेहनत जारी करें। आपके पास नियर अबाउट जो है वो एक मंथ से ज्यादा टाइम है, अभी तक तकरीबन 35 दिन का टाइम है, लाजमी तो आप अपनी मेहनत जो है वो दोबारा से शुरू कर दें। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले ब्लूटूथ का यूज किया था या जिन्होंने दूसरे सोर्सेज से जो है वो पेपर पहले निकलवा लिया था, स्टूडेंट्स अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दोबारा जो है वो ये सिंध के और केपीके में जो है वो दोबारा मेरिट की बेस पे एमडीकेट दोबारा होने जा रहे हैं और दोबारा सारा आपका प्रोसेस होगा, आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दोबारा होंगे सिंध और उसके अलावा केपीके में। स्टूडेंट्स आप इसमें लाजमी तौर पर अपनी तैयारी इसके हवाले से शुरू कर दें, ये अपडेट आई थी जो आपसे इस वीडियो में शेयर करनी थी। इसी तरह की मजीद जॉब्स की और स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स को हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी इसी चैनल स्मार्ट एडमिशन पे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।